आज हमें कैसी खातून के घर मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं एक शायरा भी हैं एक लेक्चरार भी हैं फैसलाबाद का एक चमकता हुआ इस हैं आज हमने उनको एतबार न्यूज़ के लिए ढूंढ के लेके आए हैं ये मेरी दाएं तरफ दाएं तरफ बैठी हुई हैं और मेरी दाएं तरफ आपने पहले भी आप जानते हैं काशिफ नजीर साहब हैं जो कि एक आर्टिस्ट हैं फेस रीडिंग करते हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं आज आपकी मुलाकात हम पहले हमारा शाह साहबा से करवाएंगे पहले बातचीत इनसे करेंगे फिर हम इनसे फेस रीडिंग करवाएंगे जी हमारा साहब हैं आप ठीक ठाक बिल्कुल अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक आप सुनाएं आप आप कैसे हैं ठीक है बहुत अच्छा लगा आपकी तरफ आके माशाल्लाह आप बताए अपनी जर्नी कैसे आपने ये स्टार्ट किया कै, कैसे आपको शौक पड़ा आर्टिस्ट आपने पेंटिंग की है फिर पढ़ा है फिर ये सारी छोटी छोटी चीजें बताएं लोगों को आप रोल मॉडल हैं लोगों के लिए आ, मैं मुझे कॉलेज स्कूल उसी से ज़्यादा शौक़ था और बहुत छोटी चुट छोटी ऐसे पेंटिंग्स आर्ट करते करते तो हम लोग बस वो एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इसमें इसलिए फिर वो आ, इसमें आते चले गए फिर बहुत सारे लोग मिले जो आर्ट से रिलेटेड थे तो फिर हम वो काम जो था वो उसको आ, करते चले गए फिर मैं कॉलेज में भी यही पढ़ा उसके बाद एक शॉर्ट कोर्स था सिक्स मंथ का वो मैंने एन कॉलेज से किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे जाना उस एनवायरनमेंट में रहना तो फिर मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे तो फिर मैं एन चली गई और उसके बाद जब कम बैक हुआ फिर एक कॉलेज में, में मेरा हो गया कॉलेज जॉब की गवर्नमेंट कॉलेज था उसमें जॉब की और उसके बाद फिर शादी हो गई तो फिर हम बाहर चले गए और वहाँ से अब कम बैक हुए तो इनशाला अब रिसेंटली हम सारा अपना जो स्टूडियो उसको बना रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं तो आ, उसमें बहुत सारा मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं मेरी तो अब हम इनशाला अपना स्टूडियो हमारा कंप्लीट Very soon, मतलब एक ओपनिंग तो जो है ये प्रोफेशनली आप स्टूडियो बना रहे हैं लोग सीखेंगे भी आके आप सिखाएंगे भी आप कि अपना शौक पूरा कर रहे हैं कि लोगों को भी ये पेंटिंग वगैरह आप बना कर देंगे जी मैंने जब मैं जॉब करती थी ड्यूरिंग उस पीरियड में भी जो मेरी ही फ्रेंड्स होती थी आ, मैं टॉप पे जा रही थी मतलब आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड थी एक टॉप पे जा रही थी तो वो फिर सारी फ्रेंड्स ने कन्विंस किया कि नहीं हम तुम्हारे से सीखने के लिए आते हैं तो उस पीरियड में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया और बहुत सारा हमने इस पे काम किया और जितने भी आर्ट के मीडियम हैं सभी में मैं काम करती थी उसमें जितने मीडियम्स हैं उन सब में भी एक्स्ट्रा उसमें था स्टेन वर्क वो भी हमने किया अरेंजमेंट था वो भी हमने किया और वो उसको मतलब एक क्लिक करना हर चीज़ को और वो फिर एक इंटरेस्ट मतलब इतना ज़्यादा उसमें था स्टूडेंट को तब भी पढ़ाया और अब भी मुझे बहुत इजी लग रहा है कि मैं आऊँ और आके फिर जो स्टूडियो हम बना रहे हैं उसको फिर से हम इन स्टूडेंट को भी टाइम देंगे और मेरा कोशिश होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि मुझे ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि किसी से फीस ली जाए या कुछ ऐसा है कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ में आना चाहेंगे तो उनको भी टाइम दूंगी ताकि जब एक आ, आप बहुत सारा टाइम पीरियड बीच में आता है तो उसके बाद जब आप काम करते हो तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपको अप्रिशिएट करें और आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होता है मैंने पूछना था काशो नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का हम फायदा उठाएंगे आपके लिए तो आप कितना शौक रखती हैं आपको पता है कि ये चीजें जो हैं आप कितना बिलीव करती हैं अभी जो काशिफ साहब का आपको बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितना सही बता रहे हैं जी सलाकुम सर जी ठीक सर ये हमारी गेस्ट हैं आज हमारा शाहबा तो इनके बारे में फेस रीडिंग करके कुछ बताएं इनका फ्यूचर क्या है और इनकी जो अंदर की कोई बात है जो हिडन है जो कोई किसी को नहीं बता सकता है जी मैं सबसे पहली बात तो ये है कि इनका खुद का आर्टिस्ट होना ही बहुत कमाल की बात है क्योंकि तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो चाहे शायर हैं आर्टिस्ट हैं वो थोड़ा माशे से हटके हैं और बहुत डिफरेंट हैं तो उन सारे लोगों की पर्सनैलिटी जो होती है अल्लाह ने में सबसे बड़ी खासियत तो ये रखी होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसटिव हैं बहुत सास माइंड हैं और ऐसे लोग जो होते हैं ना हमेशा ये लीडरशिप में रहते हैं मतलब दूसरों को गाइड करना हेल्प करना मॉरली उनको बहुत कुछ देना तो ये चीज़ें जो है ना वो इनकी पर्सनैलिटी से नज़र आ रही हैं बचपन में ही ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत मिच्योर होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर जो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं अल्लाह की वो नजर आ रही हैं और इनकी जो एक्टिविटी है हमेशा इन्होंने दूसरों को गाइड किया आर्ट को प्रमोट किया और बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं तो ये इनका जो माजी है उसमें भी ये माशाल्लाह बहुत मिच्योर और बड़े अच्छे लीडरशिप पर रही हैं अपनी एज फैलो को भी ये डायरेक्शन ही देते हैं इस तरह के जो लोग होते हैं वो तो हमेशा डायरेक्शन में रहते हैं अच्छा सोचते हैं भला करते हैं और इनके अंदर एक समझ लें कि एक ऐसी ताकत होती है जस्ट लाइक एंजल की तरह ठीक है दूसरों के लिए अच्छा करके बहुत खुश होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि भाई आर्ट को और आर्टिस्टों को प्रमोट होना चाहिए जो तो क्रिएटिव लोग हैं हमारे माशरे में उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तान में फंक्शनैलिटी तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी ईजाद हैं जितनी भी दुनिया में आप पूरे वर्ल्ड में देखें कि जो भी हम लोग समझते हैं जिससे माशरे में दुनिया में तब्दीली आती है वो हम जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं वही करते हैं ना कि वो सियासतदान हो या कोई रवायती से डीलर आ, की तरह वो जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है तो इस तरह के लोगों से माशरे में इतना चेंज नहीं आता जितना क्रिएटिव लोगों के माशरे से आता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लाइज करना चाहिए हम इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए और ऐसे लोगों को हमें परफॉर्म करने के लिए टाइम देना चाहिए तो सर जैसे इन्होंने कहा है कि वो इन फ्यूचर जो है वो स्टूडियो बना रही हैं लोगों को इनवाइट करेंगी इनके पास फ्री ऑफ कास्ट वो सीख सकते हैं तो काफ़ी इन्होंने बातें की किया तो आप क्या समझ दें कि इन फ्यूचर ये कामयाब हो जाएंगी सारा कुछ करने में अगर ये परमानेंट स्टे है इनका पाकिस्तान में तो फिर तो माशा ये बहुत ज्यादा काम करेंगी यूथ के लिए बहुत सपोर्टिंग रोल होगा इनका दारा भी इनका लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर पाकिस्तान में स्टे करेंगे इनके कुछ फ्यूचर्स प्लान कह लें या इनकी कुछ ऐसी फैमिली मैटर्स होंगे जिस वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो बाहर जाए लो जी उन्होंने तो आपके प्लान का जो है ना थोड़ा सा डिसमिस कर दिया इसके बारे में आप क्या कहें एक्चुअली हमारा सही कह रहे हैं सर काशिफ इसलिए कि मेरी बेटी का है कि वो पाकिस्तान में आ, से बाहर जाके पढ़ना चाह रही है तो अभी रिसेंटली उसने ओ लेवल किया फिर तो उसके बाद अभी तो कॉलेज में है और उसका प्लान है कि बाहर जाके मुझे पढ़ना है वो भी सब्जेक्ट भी इस टाइप के रख रही है कि ड्यूरिंग एजुकेशन वो बाहर चली जाए क्योंकि हम पहले भी वहीं से आए और यहाँ पे काम तो इन करते रहेंगे चलता रहेगा तो स्टूडेंट्स भी कुछ मिल जाते हैं वो भी काम कर लेंगे कंटिन्यू तो इसको करेंगे क्योंकि फिर बेटी तो पढ़ेगी और साथ मुझे उसका भी देना है ज़ाहिर है वहीं पे हमारे काशिफ साहब भी आर्टिस्ट हैं तो आप इनके सपोर्ट कर जाइएगा बाकी काम जब आप आगे फिर देखते रहिए वैसे भी आजकल आज ऑनलाइन जो है वो चीजें आप जहाँ भी जाए आप अपना काम तो जारी मैंने रख सकते हैं इनकी कुछ ये यूट्यूब पे इनकी देखी है बहुत सारी इनके वीडियोज और माशाला बहुत चैनल्स पे आ रहे हैं ये मैंने इनको ए टी पे देखा पी टी पे भी देखा और कुछ और भी प्रोग्राम्स है समा पे भी इनके प्रोग्राम आते रहे हैं और ये न्यूज चैनल फोटी टू फोर्टी ट्वेंटी फोर उस पर भी मैंने इनको देखा माशाल्लाह ये ऐसे फेस रीडिंग करते हैं और uh, लोगों को पे uh, जो उनकी पर्सनल लाइफ है उस पर कॉमेंट करते हैं तो अच्छा है इनका इन्होंने मुझे लगता है अच्छा ही व्यूज़ दिए हैं मेरे पे और uh, अब जी है कि अगर बाहर गए तो डेफ़िनेटली और फिर आ, मुझे अभी इन्होंने बताया था बातों में कि हम फैसलाबाद में ही रहते हैं तो अगर यहीं पे ये रहते हैं तो फिर डेफिनेटली इनको सपोर्ट करेंगे या जो भी है वो बात की प्लानिंग है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं इनके एक्चुअली अब मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा है कि मैंने इनको एक तो टीवी में बहुत देखा माशाल्लाह काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है यहाँ की और फिर इनके अब्बा जो थे वो बहुत, बहुत अच्छा बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं अभी बता रहे थे ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और आ, ये जी हमारी खुशकिस्मती है कि अखबार न्यूज के साथ है, जब भी हम इनको बुलाते हैं ये टाइम देते हैं इस चैनल के लिए बहुत काइंड है ये तो इसके अलावा आपका एक और तारफ रह गया है जो लैबरेट होने वाला है कि आप एक शायरा भी हैं तो हाँ। क्या सुनाएंगी कोई किताब लिखी है कि क्या आपने अपने लिए शायरी किया है या लोगों के लिए भी आप कोई शेर अब एक्चुअली पोइट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कॉलेज लाइफ में भी हम लोग बहुत थे और अब भी कभी कभी कुछ शेयर कह लेते हैं मौसम अच्छा होए कभी चाय कभी कहीं अच्छा हम खाना मतलब छोटे छोटे ऐसे ओकेजन होते हैं जिसपे आप थोड़ा सा आपका जब मूड होता है तो आप फिर कुछ चीज़ें जो चीज़ क्रिएट चीज़ होती हैं कोई शायर और ये आर्ट ये दोनों ये एक दूसरे से लिंक करती है न, हैं ना ये चीजें दोनों मूड पे डिपेंड करती हैं और दोनों के लिए आपका मतलब जो इनर की चीज है वो आप बाहर लानी होती है पोर्ट्रेट भी हमें वही करना होता है उसपे भी काम और शायरी भी वही चीज है लिंक करती है है आज कुछ आपने मुझे सड़न पकड़ा है। कोई पसंदीदा जो आपकी कोई नजम हो कोई शायरी आपने जो सुनी हो या की हो कोई जी, भी जी, हमारे नाजरीन के लिए आप कुछ चले आप कहती हैं तो मैं सुना देती हूँ मुझे बहुत पहले से एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती थी आजकल आपको पता है जो एनवायरनमेंट जो माहौल और जो लड़की लड़कियाँ एक दूसरे को डिसीव करते हैं मतलब वो वो नहीं होना चाहिए तो उस पर मुझे बड़ा अच्छा लगता होता था एक आ, मेरे ए, एक बहुत मुझे जो पसंद है वो शायर मैं आज तो उनका सुनाऊँगी आपको उनका था वो अब के बरसात की रुत और भी भड़कीली है जिसम से आग निकलती है कबागीली है पहले रग रग से मेरी खून निचोड़ा उसने अब ये कहता है कि रंगत ही मेरी पीली है मुझको बेरंग ही ना कर दें कहीं रंगित इतने सब्ज मौसम है हवा सुर फिजा नीली है अब के बरसात की रुत और भी गीली है बहुत खूब बहुत खूब ये तो बड़ा जो डीपली एक आपकी जो अंदर कैफियत थी जिससे मैं छोड़ देता हूँ उसे मैं छोड़ देता हूँ मोहब्बत हो कि नफ़रत हो भरा रहता हूँ शिद्दत से जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ ये मुझे अच्छा लगता था बस थोड़ा वेरी तो। नाइस जी बहुत अच्छा इसमें एक कमिटमेंट दिखाई गई है कि बस जो सोच लिया सो सोच लिया हाँ। तो ये थी जी हमारा शाह साहबा जो आज की शाम आ, हमने इनके साथ गुजारी बहुत मज़ा आया बहुत इंटरटेनिंग भी थी इन्होंने हमें काफ़ी कुछ खाने के लिए खिलाया पिलाया बहुत हमारा ख्याल रखा तो काशिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी भी भी कुक भी हैं है। तो इन्होंने मेकरोनी बनाकर भी हमें खिलाए तो आर्टिस्ट भी हैं इनकी आपको जो हम पेंटिंग भी आपको दिखाएंगे तो इसके साथ ही नसरीन बुखारी को आद बार न्यूज से इजाज़त दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया